भारतीय कालिदास समारोह में आयुष दीक्षित की प्रस्तुति। उज्जैन समाचार। 12 नवंबर 2019 को होने वाला अखिल भारतीय कालिदास समारोह में आयुष दीक्षित अपने एकल नृत्य की प्रस्तुति देंगी। इसकी शुरुआत शिव वंदना से करेगी। उसके पश्चात परंपरा अनुसार ताल रूपक में धाट आम तत्कार तोड़े टुकड़े की प्रस्तुति देंगी। भाव पक्ष में एक भजन की प्रस्तुति देंगी। 6 वर्ष की उम्र से गुरु रागिनी मक्खर और गुरु मक्खर से कथक की शिक्षा लेने वाली आयुषी वर्तमान में गुरु मुक्ति श्री ताई से कथक की शिक्षा ले रही हैं और साथ ही विगत 4 वर्षों से पद्म श्री ताल योगी गुरु पंडित सुरेश तलवलकर से ताल और लय की शिक्षा पुणे में रहकर ले रही हैं। आईसी 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित खजुराहो इंटरनेशनल नृत्य समारोह में अपनी एकल नृत्य की प्रस्तुति भी दे चुकी हैं। राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। मैं एक्चुअली उज्जैन में पहली बार ऐसे सोलो डांस करने के लिए आई हूँ। उससे पहले ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए मैं आई हूँ मेरी गुरु के साथ। तो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। जो भी लोगों को कथक पसंद है वो लोग आए, देखे मेरे काम को, अच्छा है क्या है उनको लगता है, वो देखे मुझे ऐसी इच्छा है, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चला। इसलिए अब बेसिकली कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस किए अभी तक आपने? मैं बेसिकली इंदौर से हूँ। मैंने मेरे गुरु के साथ बहुत जगह परफॉर्म किया है सोलो, एज अ सोलो आर्टिस्ट। मैंने युवा कला रत्न मुझे मिला है वारंगल यूनिवर्सिटी से, यूथ फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है साउथ में जाकर, खजुराहो इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित चक्रधर समारोह में भी परफॉर्म किया है और अब कालिदास। इंडिया के अलावा भी विदेशों में भी परफॉर्मेंस दिया? नहीं, अभी विदेशों में नहीं। भविष्य के लिए कोशिश जारी है। क्या नाम लिखे हैं? आयुष।